तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के एडिटिंग में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इंस्टा पे बहुत इस टाइप के एडिटिंग का ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है इंस्टा पे, ठीक है मेरे भाई लोग। तो अपने फोटो को फेस स्मूथ फुल ट्यूटोरियल कैसे करते हैं बिल्कुल HD में, और अपने बैकग्राउंड को कलर एडजस्ट कैसे करते हैं और CV एडिटिंग कैसे करते हैं, तो यही फोटो का और बैकग्राउंड को कुछ इस टाइप के एडिटिंग किए हैं, कलर में एडिटिंग किया है, ठीक है मेरे भाई लोग। ये एडिटिंग का वीडियो इंस्टा पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जब भी ऐसा एडिटिंग का वीडियो डालूंगा तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, तो सबसे पहले आप ही देखेंगे मेरे वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ा बढ़ते हैं। फ्रेंड, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मेरा ये फोटो रहा, तो यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं। स्नैपसीड के अंदर, तो स्नैपसीड के अंदर अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से टूल्स का ऑप्शन लग रहा है, इस पर टाइप करना, और यहाँ से टूल इमेज लिख रहा है, इस पर टाइप करना, तो टूल इमेज पर टाइप कर देना। और यहाँ से नीचे टास्क पर आएंगे तो यहाँ सेलेक्टिव को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, सॉरी कम कर लेते हैं, और थोड़ा चतुरासन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और थोड़ा अम्बिवांस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इतना बढ़ा लेने के बाद यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा कम कर लेते हैं, और थोड़ा साइडो को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इतना बढ़ा देने के बाद यहाँ से कर देना राइट, और राइट कर लेने के बाद थोड़ा यहाँ से फिर से जाना टूल्स पे, और यहाँ से सेलेक्ट भी लिखा है, इस पर टाइप करना, और अपने मेरा फोटो भी यहाँ ब्लैक लग रहा है, तो यहाँ से उतनी लाइट बढ़ाएंगे, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से जूमिंग कम कर लेना, और थोड़ा से इसको थोड़ा बढ़ाना, इतना बढ़ाना, ठीक है। इतना बढ़ा लेने के बाद यहाँ से कर देना एडजस्ट, यहाँ से मेरा फोटो राइट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बिफोर एंड डॉक्टर, तो यहाँ से मैं अपना फ़ोटो शेयर कर लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेता हूँ, तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग का स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं, लाइट रूम के अंदर। तो यहाँ से मेरा लाइटरूम के अंदर मेरा टाइप हो गया है मेरा फ़ोटो, तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ इस टाइप के यहाँ चलाएंगे, तो यहाँ से लाइटरूम लिखा है, इस पर टाइप करना, तो मेरा लाइटरूम में मेरा फ़ोटो आ चुका है। तो सबसे पहले से तो यहाँ से ऑल फ़ोटो पर टाइप करना, ठीक है। तो यहाँ से ऑल फ़ोटो पर टाइप कर लेना, ऑल फ़ोटो पर टाइप कर लेने के बाद फ्रेंड, यहाँ से मेरा एक फ़ोटो का PNG अथी प्रीसेट बनाया है, ठीक है। तो प्रीसेट पर टाइप करना, ठीक है, ये प्रीसेट पर टाइप कर देना, तो अपना फ़ोटो का प्रीसेट बनाया है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से मैं अपना प्रीसेट पर आ गए हैं, तो यहाँ से 3 का डॉट डॉट का ऑप्शन लग रहा है, इस पर टाइप करना, ठीक है। और इस पर टाइप कर देने के बाद यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन लग रहा है, सेटिंग, इस पर टाइप कर देना, और यहाँ से सब पर टाइप कर देना, ठीक है मेरे भाई लोग। इस पर टाइप कर देने के बाद यहाँ से कर देना राइट, तो अपने जो फ़ोटो शेयर किए हैं, मेरा ये फ़ोटो रहा, तो यही फ़ोटो शेयर किए हैं स्नैपसीड से। तो यहाँ से डॉट डॉट का ऑप्शन लग रहा है, इस पर टाइप कर देना, और यहाँ से प्रीसेट सेटिंग लिखा है, इस पर टाइप कर देना। तो इस पर टाइप करेंगे तो मेरा फ़ोटो प्रीसेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ से अपना बैकग्राउंड को कलर एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कि मेरा बैकग्राउंड को कलर अच्छा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से नीचे टाइप से बढ़ाएंगे, तो यहाँ से कलर पर टाइप करना, और मैक्स पर टाइप कर देना, और यहाँ से बैकग्राउंड को कलर कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। यहाँ से ये बैकग्राउंड को कलर कर लेते हैं, इतना कलर कर लेने के बाद इस पर टाइप कर देना, थोड़ा इसको बढ़ा देना, ठीक है, इसको कम कर लेना, इतना कम कर लेना। तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पर कितना मस्त मेरा बैकग्राउंड पर लाइट आ गया है। तो अपना फेस को इतनी वाइट करना, तो इस पर टाइप कर देना, और इसको पूरा बढ़ा देना, एकदम फुल इतना कर देना। तो मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं मेरा फेस कितना मस्त हो गया है बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ से डन कर लेना अपना फ़ोटो। तो डन कर लेने के बाद यहाँ से इन्फेस्ट लिखा है, इस पर टाइप कर देना, और यहाँ से क्वालिटी को थोड़ा कम कर लेना। इतना कम कर लेने के बाद थोड़ा यहाँ से मेरा लाइटों में मेरा तो काम हो गया है मेरा फ़ोटो का। तो यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं ऑटो स्केच बुक के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे भाई ने कमेंट कर रहे थे कि भाई, जब भी ऑटो डेस्क में जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो स्किप मत करना, तो यहाँ से स्केच बुक के अंदर शेयर कर लेते हैं अपना फ़ोटो। तो अपना फ़ोटो स्केच बुक के अंदर शेयर कर लिया है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो इस पर टाइप कर देना, ठीक है, वहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से सेटिंग वाली ब्रश पर जाएंगे, ठीक है मेरे भाई लोग। बहुत सारे भाई ने कमेंट कर रहे थे कि भाई जब हम ऑटोडेस्क में जाते हैं तो सेटिंग का ब्रश घबरा जाते हैं, ठीक है।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो स्किप मत करना। अगर आप लोग का सेटिंग समझ में नहीं आ पाएगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से अपना सबसे पहले तो यहाँ सेटिंग पर टाइप करना, ठीक है। तो इस पर टाइप कर देना और यहाँ से नीचे टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से अपने ब्रश को चुनना, ठीक है। तो इस सारा ब्रश है, ठीक है। तो मैं ये ब्रश रख लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रश पर टाइप कर देना और यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन लिख रहा है ऊपर टाइप, तो यहाँ से इस पर टाइप करना और यहाँ से दूर रख लेना ये, और ये सोरे रख लेना, ठीक है। ये सोरे रख लेना, ठीक है मेरे भाई लोग। पहले से मेरा सेटिंग बन गया है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से कर देना राइट और यहाँ से अपना फ़ोटो जूमिंग कर लेना और अपना फेस पर एकदम बिल्कुल बराबर अप्लाई करना, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, अपना फेस पर बिल्कुल बराबर स्मूथ करेंगे। जब तक अपने हैंड को बराबर नहीं चलाएंगे फेस पे, तो आपका स्मूथ नहीं हो पाएगा बराबर, ठीक है मेरे भाई लोग। तो आप देख रहे हैं कितना मस्त स्मूथ कर रहे हैं। आप लोग भी कर पाएंगे अगर इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप रहेंगे तो, ठीक है। ठीक है मेरे भाई लोग, तो आप देख रहे हैं कितना मस्त स्मूथ कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, तनी वीडियो फास्ट कर लेते हैं कि वीडियो में देरी ना हो। तो भाई लोग, मेरा फ़ोटो तो स्मूथ हो गया है। तो अपने ओठ पर लिफ्ट कैसे लगाए, ठीक है मेरे भाई लोग। तो बहुत ना भाई ने कमेंट कर रहे थे कि भाई लिफ्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से सेटिंग वाली ब्रश पर जाएंगे, तो यहाँ से इस पर टाइप करना और यहाँ से लाइब्रेरी पर टाइप करना और यहाँ से नीचे टाइप से बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत सारे ब्रश है, ठीक है। तो ये ब्रश है पूरा, तो सर फ्रेंड ये पूरा सारा ब्रश है। तो मैं इसमें से ये ब्रश रख लेते हैं, ठीक है। ये ब्रश रख लेते हैं। ये ब्रश रख लेने के बाद यहाँ से सेटिंग पर टाइप करना और ये साइज़ है, कितना साइज रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 80 रख लेता हूँ और यही साइज है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, यही साइज है, सारा साइज है, ठीक है मेरे लोग। तो मैं यहाँ से कर देना 18 रख लेता हूँ, ठीक है। 18 रख लेने के बाद यहाँ से और यहाँ से आ जाना लेयर पर, और लेयर पर आ जाने के बाद यहाँ से प्लस का चिन्ह है, इस पर टाइप कर देना और यहाँ से इस पर टाइप करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग लिखा है, इस पर टाइप कर देना और यहाँ से नीचे टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से सॉफ्ट लाइट लिखा है, इस पर टाइप कर देना, ठीक है। तो यहाँ से इस पर टाइप कर देने के बाद यहाँ से कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पर टाइप करना और यहाँ से कलर एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मैं रेड कलर रख लेता हूँ और यहाँ से अपना फ़ोटो जूमिंग कर लेना और यहाँ से मैं बिल्कुल बराबर लिस्ट लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई लोग। तो आप देख रहे हैं कितना मस्त मैं लिस्ट लगा दिया हूँ। तो यहाँ से बहुत चटकार हो गया है, तो यहाँ से लेयर पर टाइप करना और इस पर टाइप करने के बाद यहाँ से ये थोड़ा कम कर लेना। इतना कम कर लेने के बाद फ्रेंड देखना है मेरा फ़ोटो पर एकदम लिस्ट लग गया, सॉरी फ्रेंड मेरा लिस्ट लग गया है और मेरा फ़ोटो स्मूथ हो गया है। तो यहाँ से अपना फ़ोटो सेव कर लेते हैं और फ़ोटो सेव कर लेने के बाद यहाँ से पिक्सल के अंदर शेयर कर लेते हैं मेरा फ़ोटो, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से अपना फ़ोटो सेव कर लेते हैं और सेव कर लेने के बाद यहाँ से पिक्सल के अंदर शेयर कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से मेरा फ़ोटो सेव हो, यहाँ से मेरा फ़ोटो सेव कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरा फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो भाई लोग, मेरा PNG ये रहा, तो यहाँ से अपना PNG के शेयर कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से PNG शेयर कर लेते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। तो मेरा पिक्सआर्ट में तनिक PNG आने में तनिक देरी लगता है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो मेरा PNG मेरा पिक्सआर्ट में आ गया है। तो यहाँ से नीचे टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से एड फोटो पर टाइप करना और यहाँ से ऊपर टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से मेरा ये फ़ोटो रहा, इस पर टाइप कर देना, डाउन कर देना, ठीक है। और डाउन कर देने के बाद नीचे टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से कैंची का ऑप्शन होकर इस पर टाइप कर देना और यहाँ से अपना प्रोसेसिंग पर टाइप कर देना, ठीक है। तो मेरा फ़ोटो रिमूव हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई लोग। बहुत आसान तरीका है, ठीक है मेरे भाई लोग। आप लोग भी कर पाएंगे अगर इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप रहेंगे तो, ठीक है मेरे भाई लोग। तो मेरा फ़ोटो रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से सेव कर लेना, ठीक है। और मेरा फ़ोटो सेव कर लेना, ठीक है। सेव कर लेने के बाद यहाँ से इसको पूरा साइज़ बढ़ा लेना
और यहाँ एडजस्ट कर देना, तो यहाँ से कर देना राइट। तो राइट कर लेने के बाद यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से इनफेस्ट लिखा है इस पर टाइप कर देना और यहाँ से कलर ले लेना और यहाँ से कुछ इस टाइप के अपने बैकग्राउंड पर अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ से अपना बैकग्राउंड को कलर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड को कलर ये रख लेता हूँ, ठीक है। ये कलर रख लेने के बाद यहाँ से कर देना राइट। तो राइट कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ से नीचे टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से एड फोटो पर टाइप करना और यहाँ से, और यहाँ से एक PNG ले लेते हैं। ये PNG बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टा पे और यूट्यूब पे, ठीक है। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है ये फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो ये PNG बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो यहाँ से ब्लेंडिंग पर टाइप कर देना और यहाँ से स्किन कर देना और इसको साइज इतना बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये इतना यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एडजस्ट कर देने के बाद यहाँ से कर लेना राइट। तो यहाँ से मेरा फोटो राइट कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो सॉरी फ्रेंड, यहाँ से ये तनी PNG गबड़ा है तो दूसरा PNG ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस पर टाइप कर देना तो मेरा PNG हट जाएगा। जैसे फिर से नीचे टाइप से बढ़ाएंगे तो इस पर एड फोटो पर टाइप करना और मेरा PNG ये रहा, ठीक है। ये PNG पर टाइप करना, ये PNG बहुत इंस्टा पर ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लेंडिंग पर टाइप कर देना और यहाँ से कर देना स्किन और यहाँ से इसको जूमिंग कर लेना और यहाँ से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये लगा कर एडजस्ट कर देना तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना मस्त मेरा फोटो पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फिर से यहाँ से नीचे टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से एड फोटो पर टाइप कर देना और यहाँ से एक और PNG ले लेते हैं कि बहुत सारे वायरल हो रहा है इंस्टा पे और एथी पे, टूटू पे, ठीक है। तो यहाँ से एक PNG ले लेते हैं, ये PNG, और ये PNG ले लेने के बाद यहाँ से नीचे टाइप से यहाँ से ब्लेंडिंग पर टाइप कर देना और यहाँ से स्किन कर देना और इसको जूमिंग करके और यहाँ एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो मेरा फोटो एकदम बिल्कुल बराबर, एकदम मेरा मेरा फोटो एकदम पूरा सुपर हो गया है, ठीक है मेरे भाई लोग। आप लोग भी कर पाएंगे अगर इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप रहेंगे तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो पर लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ से फिर से इंटरेस्ट पर टाइप कर देना और यहाँ से कलर पर टाइप कर देने के बाद यहाँ से कुछ इस टाइप अप्लाई कर देना और यहाँ से कलर जो भी कलर रख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। आप थंबनेल पर देखें कि बहुत सारे कलर है तो यहाँ से जो भी कलर रख के और यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कलर सेव कर लेते हैं और यहाँ से ये कलर सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो पर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका और आप लोगों का PNG चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप पर बात कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से अपना फोटो सेव कर, यहाँ से राइट कर लेना और राइट कर लेने के बाद यहाँ से अपना फोटो सेव कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। यहाँ से अपना फोटो सेव कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।